दोस्तों ये 300 का मिलने वाला है। एंड ये बन है, इसमें रबड़ लगा हुआ है अंदर, ऊपर से बालों के ऐसे लग जाएगा, तो जो हेयर का जो लुक है आपका अच्छा है बहन जी। अच्छा, नाड़ी के अंदर रोग कोई बीमारी नहीं है, भगवान की दया है। अच्छा, सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, दिल्ली में लग चुका है ट्रेड फेयर, जो कि लगा है प्रगति मैदान में। और तो दोस्तों, ट्रेड फेयर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और एक बात और दोस्तों, ट्रेड फेयर ना बहुत ही बड़ा लगा हुआ है, 14 हॉल्स है, 14 हॉल्स में अलग अलग राज्यों के यहाँ पर आपको स्टॉल्स मिलेंगे, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए मैं हॉल वाइज में आपको पूरा एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप जब आप यहाँ पर आओ तो अच्छे से शॉपिंग कर पाओ और आपको समझ में भी आए। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, ये है 42 यानी कि 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, पार्टनर स्टेट है यहाँ पर बिहार और केरला, फोकस स्टेट हमारे रहने वाले हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। फेयर की टाइमिंग की बात कर ले तो सुबह 10 बजे खुल जाता है ये, 7:30 बजे तक रात के खुला रहता है। और इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ये पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। चलिए चलते हैं बाकी अंदर, और अंदर चल के आपके और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ है ट्रेड फेयर में। टिकट प्राइस की बात कर ले तो वीकेंड में अगर आप आ रहे हैं तो अडल्ट का यहाँ पर 150 का है और किड्स वाला है, वहीं अगर आप वीकडे में आ रहे हैं तो वीकडे में आपको 80 रुपीज़ पर पर्सन टिकट पड़ेगा और 40 रुपीज़ किड्स का पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पर ऑनलाइन टिकट लेकर आई थी, तो आप पेटीएम इनसाइडर के थ्रू भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो ऑफलाइन टिकट आपको ये सारे मेट्रो स्टेशन से मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आई थी गेट नंबर 10 से एंट्री के बाद मुझे H14 मिला, उसके बाद मुझे यहाँ पर 11, 12, 10, 8, 7 सरजीबी का सामने ही है। उसके बाद सामने है H1, H2, H3, H4, यहाँ पर आपको दिल्ली, झारखंड, हरियाणा ये सारे स्टेट मिल जाएंगे अंदर की तरफ। चलिए हम लोग पहले इस साइड ही चलते हैं। सो दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ना आपको काफ़ी सारे कल्चर प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इनकी टाइमिंग लिखी हुई है डेट वाइज कब कब आपको इनका जो कल्चर प्रोग्राम है वो होंगे। जैसे 15 तारीख को महाराष्ट्र का हुआ है, 16 तारीख को कर्नाटक का, टाइम भी लिखा हुआ है, स्लॉट टाइम लिखा हुआ है। आज 19 तारीख को 3 बजे उड़ीसा का और हरियाणा का 6 बजे होगा। तो इस तरीके से ना काफ़ी जो कल्चर प्रोग्राम है वो भी होंगे यहाँ पर, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सामने आ चुका है हॉल नंबर 2, तो चलिए हॉल नंबर 2 में विजिट करते हैं। हॉल नंबर 2 में देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये अपने आदमी को सब, तो दोस्तों हॉल नंबर 2 में मुझे देखने को मिला उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। चलिए उत्तर प्रदेश में चलते हैं, योगी जी के राज में घूम के आते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मैंने एंट्री कर ली है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, साथ में ही काफ़ी सारे फ्रेगनेंस बैग्स, फ्रेगनेंस यहाँ तक आ रही है यार। सो यहाँ पैक्स स्टोर है, चिकनकारी कुर्तीज मिल जाएंगी। कितने के पे कुर्तियाँ? 1500 का। तो दोस्तों, ये कुर्तियाँ ना 1500 रुपये की है।
सो दोस्तों यहाँ पर डिफ्यूज़र और लैंप्स मिल जाएंगे। बैंगल्स की है, $250 के। तो दोस्तों ये गणेश जी है छोटे से, ये 250 के मिल जाएंगे। बैंगल्स भी है यहाँ पर। ये लैम्प कितने के? 400 रुपये के। तो दोस्तों ये जो लैम्प है ये 400 का मिल जाएगा, बड़ा वाला 1000 रुपये का। दोस्तों ये बड़े वाले जो लैम्प है वो 1000 रुपीज़ के मिलेंगे। ऐसे आपको काफ़ी सारे डिफ्यूज़र लैम्प्स वगैरह मिलेंगे। डिफ्यूज़र कितने का है? ₹300 का। तो दोस्तों ये डिफ्यूज़र है, ₹300 का मिलेगा। इस तरीके से इसका लुक आएगा एंड ऊपर भी देख सकते हैं। सो दोस्तों इन आइटम्स ने तो मेरा दिल जीत लिया और मैं कोई अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ आने के लिए। ये देख सकते हैं, ये टेलीफोन भी मिल जाएगा। कितने का ये? 4500 का। ओके सो टाइटेनिक शिप भी मिल जाएगा एंड इस तरीके का आइटम मिल जाएंगे। डेकोरेटेड आइटम है सारे के सारे, ये देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? ये कुछ कहना चाहता है? कितने का ये? 1200। सो दोस्तों ये मंकी ने आपको प्यारा सा 1200 का मिलेगा। सो दोस्तों आपको यहाँ पर है ना सूट प्लाजोस वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ये वेलवेट के टॉप है ना मैम, ये सेट है। अच्छा ये पैंट दोनों चीज़ आएंगी इस तरीके से, सेट है ये पूरा, कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। कितने का आएगा मैम ये? 5000 का टैग है पर हम यहाँ पे ट्रेड फेयर में डिस्काउंट भी कर, अच्छा डिस्काउंट भी कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो ये ड्रेसेस के लिए जो मैम ने पहना हुआ है तो आप आ जाइए इधर, स्टॉल नंबर 74, हॉल नंबर टू, उत्तर प्रदेश। मैजिक बॉक्स की तरफ, ये लोग मैजिक करके दिखाएंगे हमें। ये रस्सी होती है, रस्सी को काटते हैं, इससे काटिए आप, सेंटर लगाइए, काटिए, दो पीस हो जाएंगे, दो बार लगाएंगे तो जुड़ जाएगी, कोई भी रस्सी को काटेंगे जुड़ जाएगी। आप इसको पकड़िए, इसके ऊपर आप रखेंगे, जब तक पकड़ लेंगे खूब मारेंगे तो ये लग जाएगा। हाँ जो कटा हुआ था वो कहाँ गया? वो जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? वही तो मैजिक है, आप खरीद लेंगे हमारा तो सब कुछ आपको आ जाएगा। मुझे सकला का बुम बुम याद आ गया, अब तो पेंसिल है पर सकला का बुम बुम वाली नहीं बोली है। देखिए 1 रुपीस का कॉइन है, इसके अंदर में डालेंगे, ग्रीन कलर है, पेपर के अंदर में फोल्ड करेंगे, मैजिक कैप पे रखेंगे, फूंक मारेंगे तो एक। हां ये कैसे चेंज हुआ? ये भी येलो को सेमाई का येलो को डाल दिया, इसका भी येलो का चक्री खोला बच्चे की नहीं पाएगा। ओके ये क्या है? ये इधर आ जाओ, रोटी मेकर है। अच्छा ये रोटी मेकर है, कैसी मर्जी रखो। तो दोस्तों ये है रोटी मेकर, दबा दो ये मैजिक वाले के बच्चों के मैजिक वॉइस, ये देखो ये आपको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, एक गोल रोटी बन रही है, फुल राउंड आएगी, आपने विदाउट प्रेशर डालेंगे ये पिंक कलर आटा किसी भी शेप में रख दो, जैसे आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। आपने कैसे शेप में रखा, किसी भी शेप में रख दो, एनीवन किसी भी शेप में रख दो, जैसे आपकी मर्जी,
क्लोज करेंगे या किसी हाथ पर सब वुडन का बना हुआ है दोस्तों ये, सो हेल्थ के लिए अच्छा है। कितने का ये? 2500। तो दोस्तों ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना ये सारा साड़ीज़ का है, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी, यहाँ पे सारी ये साड़ीज़ मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर फैब्रिक मिलेंगे सूट के, एक बार पूछ लेते हैं आपके पास सूट है या साड़ीज़ है? दोनों है क्या? ये कौन सा है? ये बनारसी बनारसी ट्रेडिशनल। ये कौन सा वर्क है जो आपके हाथ में है? ये कावड़ा तो बनारसी कांजीवरम पैटर्न जो होता है ना उसी टाइप का बनाया गया है। अच्छा, कितने का ये? ये 10,000 का। 10,000 का। कितने से स्टार्टिंग है आपके यहाँ? 2,000 से। साड़ी की 2,000 से और सूट के फैब्रिक की? सूट का क्या बोला, 2,500 से स्टार्टिंग है। ये सारे सूट है? 3,500 से स्टार्टिंग है। तो दोस्तों ये सारे ना बनारसी सूट्स है, 3,000 से स्टार्टिंग है। ये पूरा लगा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट में आ गई यूपी में गोरखपुर गिफ्ट सिटी और सारे गिफ्ट आइटम है। सो ये देख सकते हैं किस तरीके के गिफ्ट आइटम आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये मंकी देख सकते हैं, कितने का ये मंकी? 1,000 रुपीज़ का। एंड ये गिफ्ट आइटम जैसे स्टार्टिंग रेट क्या है इनका? ये हमारे पास 200 से स्टार्टिंग है। 200 से स्टार्टिंग है, ओके। ये 300, ये 300 का है। ये वॉल पेंटिंग्स है हमारे पास। अच्छा, ये पेंटिंग्स भी आते हैं। तो दोस्तों ये पूरा गिफ्ट शॉप है और अगर आपको गिफ्ट वगैरह चाहिए या फिर इस तरीके से आपको हैंगिंग टर्टर मेंढक पांडा एंड ये सब चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही सो दोस्तों सामने है कुछ ज्वेलरीज, तो चले ज्वेलरीज देखते हैं। तो यहाँ ना आपको इस तरीके के नेकलेस वगैरह मिल जाएंगे, चेन वगैरह मिल जाएंगी, माला मिल जाएंगी। सो दोस्तों ये ना पूरा सेट है, ये इयररिंग्स है और ये गले का लॉकेट है, ये 600 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन और कलर्स भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे से इयररिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे वाले कितने के हैं? ये वाले 150 से स्टार्ट है। तो दोस्तों ये ना 150 से स्टार्टिंग रेट है, तो उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। पूरा मोतियों से बने हुए आइटम है इनके पास। तो दोस्तों फिर से मैं अपनी नाड़ी मतलब पल्स चेक करवाऊंगी और ये चेक कर नाड़ी तो आपका अच्छा है बहन जी। अच्छा, नाड़ी के अंदर रोग कोई बीमारी नहीं है, भगवान की दया है। अच्छा, पर कारण इतना आपका कोटे के अंदर मगज के अंदर थोड़ा हीट गर्मी का मात्रा ज्यादा रहता है। अच्छा, इसमें बाल जलते दीदी आपका कभी कभी। हाँ, और बदन के अंदर मेन आपका पित्त वायु का परकोटी समझते हैं दीदी आप? पित्त वायु, वायु के कारण जितना भी जो अनाज खाते हैं बॉडी के अंदर जाता है, पाचन क्रिया कम होता है, और छिखांस और चर्बी का मात्रा। हाँ, बाल झड़ते दीदी आपका? हाँ, झड़ते हैं। और आंखों को नीचे क्या मैन आपका ब्लडिंग डैश सर्कल का प्रॉब्लम है, कोटे की गर्मी है ना मगज पे चढ़ जाता है, समझते हो? उसके लिए क्या होता है, छिखांस थोड़ा कम होना चाहिए, बाल आपका गहरा और मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तो आप कौन सी दवाई देते हो उसके लिए? आपने मेरी प्रॉब्लम बताया। कितने की आएगी ये? 150 रुपये का आता है। अच्छा, 150 रुपये का वाला आता है, 250 रुपये का। अच्छा, दोनों अलग अलग आएंगे मतलब? ओके, तो दोस्तों अगर आपके बाल वगैरह भी झड़ रहे हैं ना तो आप 250 की ऐसे दवाई ले सकते हैं। कैसे बना के देंगे आप इसमें? हमारे पास का ये सारा डेमो के लिए है। ये डेमो के लिए है और ये सारा माल तैयार करके हम रखते हैं। ये पाउडर बना के रखते हैं आप? अच्छा,
तो कितने दिन की दवाई देते हो आप? इसमें एक महीने की डोज रहता है। एक महीने का डोज रहता है, एक महीने में फर्क दिख जाएगा? एक महीने के अंदर तो फर्क नहीं दिखता है, पर 15 दिन के अंदर रिजल्ट फायदा मिल जाता है पूरा इसका क्रॉस करने के बाद पूरा तरीका से। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी को मतलब इफेक्ट कर गई है दवाई, अब आपसे दोबारा मंगवानी है, कुरियर में दवाई आ सकती है? तो कैसे, कुरियर से? कुरियर से। अच्छा दोस्तों, स्टॉल नंबर है 201 और ये उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में अंदर गली के अंदर है। ये देखिए दोस्तों, सो गाइस मैं आ गई खादी आश्रम और यहाँ पे खादी के आइटम आपके पास कश्मीरी। तो दोस्तों इनके पास मिलता है कश्मीरी शॉल्स एंड ये शॉल देख सकते हैं वुलन है और कितने का ये वाला? 350 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस है ना। तो दोस्तों इनके पास मिलेगा 350 स्टार्टिंग प्राइस और यहाँ से अगर आपको वुलन से कोई भी रिलेटेड पश्मीना हो गया, कश्मीरी आइटम हो गए, कुछ भी चाहिए हो, शॉल या फिर श्रग वगैरह चाहिए हो, जैकेट्स, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्या है शॉप नंबर? शॉप नंबर है 207। सो दोस्तों ये है हॉल नंबर 3 में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको मिलेगा खादी से रिलेटेड आइटम। चलिए खादी में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको हॉल नंबर 2 से लेके 3, 4, 5 यहाँ तक पूरे आपको हॉल नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर हॉल तक, यानी कि आपको यहाँ पर 2 से लेके 5 तक हॉल नंबर मिलेंगे, तो आप यहीं से ही विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों हॉल नंबर 4 में ना आपको थाईलैंड मिलेगा और थाईलैंड में आपको इस तरीके से हेयर क्लिप्स, हेयर बन, हेयर्स, विग वगैरह मिल जाएंगी। सो दोस्तों ये 1200 का मिलेगा, आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हैं, देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये रबर क्लेचर है, रबर्स है और ये बन है, हेयर बन, मतलब इसके अंदर ना आपको क्लेचर मिलेगा, आप इस तरीके से भी अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। कितने का ये वाला? 300। सो दोस्तों ये 300 का मिलने वाला है। एंड ये बन है, इसमें रबड़ लगा हुआ है अंदर, ऊपर से बालों कैसे लग जाएगा तो जो हेयर का जो लुक है ना वो अलग ही चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम है इनके पास, ये देख सकते हैं। सो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों, यूजेबल चीज़ें हैं जिसे कह सकते हैं। थाईलैंड वालों के पास दिमाग तो है भाई। तो दोस्तों ये पूरा थाईलैंड का सेक्शन है और इधर हम चलते हैं अंदर, यहाँ पे थाईलैंड के सारे थाईलैंड का आइटम मिलने वाला है, एसेसरीज हो गई, ज्वेलरी हो गई, सामने देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ज्वेलरी वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर ना थाईलैंड में ही आपको जैसे आपके हेडेक होता है या कहीं पे भी पेन होता है तो ये रिलीफ के लिए आइटम है सारे, आयुर्वेदिक जिसे कह सकते हैं, सारे हब से बने हुए हब आइटम है, जैसे कि नेक पेन हो गया, मसल्स हो गए। तो दोस्तों ये ना सारे हब्स है, हब से बने हुए आइटम है और इसमें ये पेन रिलीफ है के लिए है, पेन के लिए, ये बैक पेन। कितने का ये? 400। अच्छा 400 का ही है, 300। अच्छा ये 300 का है, तो इससे दर्द ठीक हो जाएगा, पेन जितना भी होगा वो रिलीफ मिल जाएगा पेन में? हाँ पेन, बैक पेन, हेड एक, माइग्रेन। अच्छा तो दोस्तों ये मिलेगा 6 ml 300, 10 ml 400। सो थाईलैंड में है कॉस्मेटिक आइटम, तो कॉस्मेटिक आइटम देखते हैं यहाँ के। तो
दोस्तों ये ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है सारे के सारे। तो ये सीरम ट्राई करेंगे हम। तो दोस्तों ये स्किन को ना ग्लोइंग करता है और शाइन देता है स्किन में। तो दोस्तों हॉल नंबर 5 में ना मन की बात बताई जा रही है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मन की बात सुनने में, आगे बढ़ जाते हैं हम। आपके पास है सामान, आपके अपनी दुकान बोले पास ही है। हमको चाहिए बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट, अच्छा सरिया, अच्छा अरे हो जाएगा लिस्ट ना जल्दी रहो। अच्छा तो ये लिस्ट है और सरिया और ये और पेंट देखना, इससे भी बढ़िया क्वालिटी का है। ये कपड़ों का पेंट बना रहा है, मेरा बिल आपका 1,50,000 का है। अरे इतना सारा सामान लिया, इतना महंगा सामान लिया, बिल तो दो। इतने खराब बात कह दी ना भाई साहब, अपने में कहीं फिर आता बीच में। भाई साहब अपनी दुकान है अंडी के साथ और अपने दुकान में तो नीचे से कवर करने के बाद अब हम चल पड़े हैं फर्स्ट फ्लोर यानी कि ऊपर, जहाँ पे हमें H2, H3, H4, H5 मिल जाए। तो दोस्तों मैं आ गई अब हरियाणा में और हरियाणा में चलते चलिए। हरियाणा है, हरियाणा में भी आपको छोटे छोटे से स्टॉल्स मिल जाएंगे। हरियाणा के सेक्शन में आके अगर जूतियां नहीं ली तो फिर क्या फायदा। क्या भैया ये वाली जूतियां वगैरह 450? तो दोस्तों यहाँ पे 450 की रेंज में आपको जूतियां मिल जाएगी हरियाणा में। तो नेक्स्ट आ गई मैं उत्तराखंड, चलिए उत्तराखंड में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना जूस, अचार, बिस्किट वगैरह मिलेंगे और मैं अभी यहाँ से 30 रुपीज़ का पर पीस गिलास है जूस का, तो मैंने ये वाला बुरान स्कूल का जूस लिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके का जूस मिलेगा, पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी तो चाहिए मुझे। तो अगर आपको भूख लगने लग जाए ना तो यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा स्टॉल्स, तो जिसमें आपको पनीर कुलचा ये सब भी मिल जाएंगे। रीजनेबल प्राइस है, टी 20 रुपये की, कॉफ़ी 30 की मिलेगी। तो यहाँ आपको ये क्रीम रोल्स मिल जाएंगे, मफिन्स मिल जाएंगे, पैटी मिल जाएगी और ये सब मिलेगा आपको 20, 30, 50।
सो ये पैटी वगैरह खा लेना, ठीक है? इस तरीके से देंगे। दोस्तों नेक्स्ट में आ गई केरला में, चलिए केरला के अंदर चलते हैं। तो कई लोग ना थक गए तो यहाँ पर बैठ गए, बैठ भी सकते हो आप लोग, यहाँ बैठ गए। सामने मध्य प्रदेश है और सामने ही पंजाब है, तो चलिए पंजाब में चलते हैं। तो इस तरफ है कर्नाटका और इस तरफ मिलेगा हमें गुजरात, तो चलिए पहले कर्नाटका विजिट कर लेते हैं। कर्नाटका में आपको इस तरीके के वुडन आइटम मिलेंगे जो कि होम डेकोर आइटम है, जिस तरीके से ये सेवन हॉर्स की पेंटिंग है। और आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में सेवन हॉर्स की पेंटिंग को बहुत शुभ माना जाता है। पूरा ये वुडन से बनी हुई है पेंटिंग, कलर और वुडन है। तो सारा के सारा ना ये हैंडीक्राफ्ट मंडे है और इसका मतलब होम डेकोर आइटम्स है ये सारे के सारे, इसे तरीके से सुंदर बनाए गए हैं। ये कितने का है, ये वाला कितने का है? 6,500 का। ये सारा हाथ से बना हुआ है, वुडन एंड कलर। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइस मिलेंगे यहाँ पे। सो गाइज ये ना कलर नहीं है, ये पूरा के पूरा ना पूरा वुडन है और अलग अलग वुडन कट कट करके पीसेस में ये बनाई गई है। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर बनाई है। कहीं से पता लग रहा है कि ये जोड़ा हुआ है या कुछ किया हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, पूरा हैंडीक्राफ्ट है। तो ये है गुजरात, इधर भी गुजरात के कुछ स्टॉल्स हैं। सो दोस्तों ये डोर हैंगिंग आइटम्स हैं सारे के सारे। ये कितने के है? 300 का पेयर है। और जो नीचे वाले है ये 700 का है। तो दोस्तों ये है डोर हैंगिंग और बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए पूरा हैंडमेड है ये। 400 का है। तो ये था मेरा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान का ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने आपको हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक एक्सप्लोर करवाया है।
और आगे भी आपको और सीरीज मिलती रहेगी, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफर में, देखते रहिए डीएलआर ब्लॉग। सो बाय दोस्तों।